वेलकम बैक गाइज एंड बैक बेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बीएमआर। तो देखते हैं बीएमआर में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बीएमआर इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट द कम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट। तो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है हमें हर रोज, उसे हम बीएमआर करते हैं। एज सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बीएमआर इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया पर आवर। दैट इज, मतलब इसका यूनिट कैसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी पर आवर। तो जो कि इसका यूनिट और नॉर्मल वैल्यूज देखती है बीएमआर की। सो गाइस, नॉर्मल वैल्यूज जो है बीएमआर की आती है, फॉर अडल्ट मैन इट इज अ 35 to 38 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी पर आवर, एंड अडल्ट वुमन के लिए आती है 32 to 35 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर। फॉर एन अडल्ट मैन बीएमआर इज 1600 कैलोरीज पर डे, पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे जो है ये आवर्स के हिसाब से। एंड फॉर अडल्ट वुमन बीएमआर इज 1400 कैलोरीज पर डे। तो अडल्ट मैन के लिए कितनी लगती है पर डे के हिसाब से 1600, और अडल्ट वुमन के लिए पर डे के हिसाब से 1400 कैलोरीज लगती है। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सरफेस एरिया। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। बीएमआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जो बीएमआर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से, एंड सरफेस एरिया इज रिलेटेड टू द वेट एंड हाइट। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बीएमआर को भी अफेक्ट करता है वो, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सरफेस एरिया किस पर डिपेंड होता है, वेट और हाइट के हिसाब से वो वरी करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर जो है वो है सेक्स। मेन हैव मार्जिनली हायर बेसिक मेटाबॉलिक रेट देन वुमेन। दिस इज ड्यू टू द हायर पोर्शन ऑफ द लीन मसल मास इन मेन। तो मेन में जो होता है वो बीएमआर जो होता है वो वुमेन से थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एज। तो एज के हिसाब से कैसे अफेक्ट करता है हम देखेंगे। इन इन्फेंट्स एंड द ग्रोइंग चिल्ड्रन विद लीन मसल मास बीएमआर इज हायर। जो इन्फेंट्स होते हैं और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें बीएमआर ज्यादा होता है। इन अडल्ट बीएमआर इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ अबाउट 2% पर डिकेड ऑफ द लाइफ। और जो अडल्ट में है वो बीमार कम होता है। किस हिसाब से कम होते जाता है वो, 2% पर डिकेड ऑफ द लाइफ के हिसाब से वो कम होते जाता है। तो ये हो गया हमारा एज। सो गाइस, नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करता है हम देखेंगे। बीएमआर इंक्रीजेस इन पर्सन विद रेगुलर एक्सरसाइज। जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका बीमार ज्यादा होता है। हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स जैसे T3 एंड T4 आर स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर बीएमआर। इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं हमारे T3 और T4 जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। इसकी वजह से क्या होता है, बीएमआर बढ़ता है। दस बीएमआर इज रेस्ट इन हाइपर थायरॉयडिज्म एंड रिड्यूस इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बीएमआर जो है वो हाइपर थायरॉयडिज्म में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे T3 और T4 ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होते हैं वो कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। अदर हार्मोन्स सच एज इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। कौन कौन से हार्मोन्स, इफिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो बीएमआर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का क्या अफेक्ट पड़ता है हम देखेंगे। इन द कोल्ड क्लाइमेट्स बीएमआर इज हायर कम्पेयर टू द वार्म क्लाइमेट्स। जो कोल्ड क्लाइमेट्स जो होते हैं वहां पे बीएमआर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे फीवर। तो फीवर में हम देखेंगे फीवर कॉजेस एन इंक्रीज इन बीएमआर। फीवर क्या करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। एन एलिवेशन बाय द मोर देन 10% इन बीएमआर इज ऑब्जर्व फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, अगर 1 डिग्री बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बीएमआर जो है वो 10% से बढ़ता है। नेक्स्ट आता है डिसीज स्टेट। तो देखेंगे डिसीज स्टेट, बीएमआर इज एलिवेटेड इन द वेरियस इन्फेक्शन लाइक ल्यूकेमियाज, पॉलीसाइथीमिया, कार्डियक फेलियर एंड हाइपरटेंशन। जो बीएमआर जो होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो इन्फेक्शन में, ल्यूकेमिया में और पॉलीसाइथीमिया, कार्डियक फेलियर, हाइपोथायरॉइडिज्म में बढ़ता है। इन एडिसन डिसीज बीएमआर इज मार्जिनली लोअर्ड। और एडिसन डिसीज जो है उसमें बीएमआर कम होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर।